डिक्टेशन लिखने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद जो डिक्टेशन बोली जा रही है उसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। भारत सरकार कश्मीरियों की कोई समस्या हो उस पर बातचीत करके उनका हल तो ढूंढ सकती है, लेकिन वह कश्मीर के भारत विलय को चुनौती देने वालों के साथ या देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने वाले पाकिस्तान के साथ किसी भी समझौता वार्ता में तो शामिल नहीं हो सकती, जिन शर्तों के साथ उग्रवादी संगठनों ने नेताओं में बातचीत में शामिल होने की बात की है, उसका तो सीधा तात्पर्य यही निकलता है कि वे भारत सरकार के व्यावहारिक सुझाव को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चे के जावेद मीर ने तो यह स्पष्ट कर दिया कि वे तो स्वतंत्र कश्मीर के पक्षधर हैं। उनके कथन से यह लगता है कि वे तो स्वतंत्र कश्मीर के प्रश्न पर ही बातचीत करना चाहते हैं। विराम। ऐसी असंभव शर्त लगाकर यदि उग्रवादी और अलगाववादी बातचीत का आधार बनाना चाहते हैं तो इसका सीधा अर्थ यही है कि वे कश्मीर में पुनः शांति कायम के खिलाफ हैं। विराम पैरा चेंज। भारत सरकार निरंतर इस बात के लिए प्रयत्नशील रही है कि कश्मीर की समस्या का हल बातचीत से कोई हल निकल सके। पहले तो यह तय करना होगा कि उग्रवादियों की मांग क्या है। विराम। यदि वे कश्मीर के भारत विलय के प्रश्न को फिर बोलना चाहते हैं तो फिर बातचीत हो ही नहीं सकती, और यदि उनकी कोई और मांग हो तो संविधान के दायरे में बातचीत हो सकती है। विराम। हाल ही भारत के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल कश्मीर के दौरे पर गया था। विराम। इस दौरे का उद्देश्य घाटी के हालात का जायजा लेना और समस्या के समाधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाना था, लेकिन इस दौरे का कोई विशेष असर नहीं होता नजर आता है। विराम। पूरी घाटी आतंकवादियों के भय से सहमी हुई है। विराम। उग्रवादी नेता कुछ भी दावा करते रहे, हालत उनके काबू में भी नहीं है, क्योंकि आतंककारियों की नकेल सीमा पर लोगों के हाथों में है। विराम। जब तक पार्टी घाटी के ये तथाकथित नेता इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते और विदेशी सहयोग लेने से इनकार नहीं करते,
तब तक बातचीत के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं बन सकता। विराम। असंभव शर्तों के साथ बातचीत में भाग लेने की तैयारी बताने से हो सकता है वे कुछ समय के लिए गुमराह लोगों को अपने साथ रख सकें, लेकिन अंततः उनका यह रवैया घाटी में रहने वालों के हितों के प्रतिकूल ही होने वाला है। विराम। राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार दोनों को अब इस मामले को कानून व व्यवस्था के लिहाज ही देखना होगा। आतंकारी हिंसा के चलते बातचीत का कोई आधार बन ही नहीं सकेगा। विराम। अलगाववादियों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि कश्मीर को भारत करने की उनकी कार्यवाहियों को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। अलगाववादियों की बातचीत में भाग लेने की तैयारी तब तक बेमानी है। विराम।